फिजिकल सिम को तो आप जानते ही होंगे, फिजिकल सिम वह सिम कार्ड होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फोन में डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। यानी कि जिन सिम कार्ड को आजकल हम अपने फोन में यूज कर रहे हैं उसे फिजिकल सिम कार्ड ही कहते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई सिम के बारे में। ई सिम क्या है और ई सिम कैसे काम करती है, ई सिम की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ई सिम क्या होती है और ई सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स ई सिम के फुल फॉर्म की यहां पर मैं बात करूं तो ई सिम का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जी हां दोस्तों, एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और फ्रेंड्स यह एक प्रकार का वर्चुअल सिम कार्ड होता है जो फोन में एक चिप के रूप में एम्बेडेड होता है, यानी कि ई सिम फोन के अंदर ही पीसीबी में जुड़ा होता है। जैसे कि फोन की इंटरनल मेमोरी होती है, उसी प्रकार ई सिम भी फोन में इंटरनली लगा होता है। तो फ्रेंड्स अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि ई सिम क्या होती है, अब चलिए जान लेते हैं कि ई सिम काम कैसे करती है। दोस्तों ई सिम बिल्कुल फिजिकल सिम की तरह ही काम करती है, बस दोनों में फर्क यह होता है कि फिजिकल सिम को आप निकाल सकते हैं फोन से और फोन में डाल सकते हैं, लेकिन ई सिम को आप ना ही निकाल सकते हैं और ना ही फोन में डाल सकते हैं, क्योंकि यह एक छोटी सी चिप के रूप में पहले से ही फोन के अंदर जो है वो इंस्टॉल होती है। बस आपको इसे एक्टिवेट करवाना पड़ता है और इसे एक्टिवेट करवाना भी ज्यादा कठिन नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी वर्तमान में ईसिम का ऑप्शन जो है वो आपको केवल एपल्स के आईफोन में देखने को मिल जाएगा और आगे चलकर आपको ईसिम का ऑप्शन जो है वो हर स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं ईसिम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की। तो फ्रेंड्स भारत में अभी वर्तमान में 2 से 3 कंपनियां जो है वो ईसिम की सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने भी हाल ही में ईसिम सर्विस जो है वो लॉन्च कर दी है। तो फ्रेंड्स यदि आपके मोबाइल में भी ईसिम का ऑप्शन है तो आप जियो, एयरटेल या वोडाफोन के स्टोर पर जाकर अपने मोबाइल की ईसिम को जो है वो एक्टिवेट करवा सकते हैं और ईसिम सर्विस का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई कि ईसिम कैसे काम करती है और इसे एक्टिवेट कैसे करवाना है। फ्रेंड्स चलिए अब जान लेते हैं ईसिम के फायदे और नुकसान के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके फायदे ही जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सबसे पहला फायदा यही है कि ईसिम को हम अपने मोबाइल में ना तो डाल सकते हैं और ना ही निकाल सकते हैं। तो ऐसे में यदि हमारा फोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो ईसिम के द्वारा हम उस चोर को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। और ईसिम जो है वो सॉफ्टवेयर की मदद से काम करता है, इसीलिए यहाँ पर फिजिकल सिम के मुकाबले ईसिम जो है वो आपके मोबाइल की बैटरी को भी कम खर्च करने वाला है। और फ्रेंड इसके तीसरे फायदे की बात करूँ तो इसे पोर्ट करवाना भी बहुत आसान होता है, सिम कार्ड को बदले बिना ही आप जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को बदल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और फ्रेंड्स इसका जो चौथा फायदा होता है वो यह है कि यदि आप देश विदेश जाते हैं तो यह आपको देश विदेश की जो रोमिंग चार्ज होता है उस रोमिंग चार्ज से भी यह आपको बचाता है। तो फ्रेंड्स इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक नुकसान भी इसका यह है कि यदि आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है या अगर फोन डेड हो जाता है तो ईसिम को आप जो है वो निकाल नहीं सकते हैं। जिस तरह हम फिजिकल सिम को जो है वो निकाल कर दूसरे फोन में डालते हैं, उस प्रकार से आप ईसिम को जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, आप दूसरा फोन लेते हैं ईसिम वाला ही तो आप इस ईसिम कार्ड के नंबर को दूसरे फोन में जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ईसिम के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप हमें कमेंट करें और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।